भारत में ई कॉमर्स की दुनिया में भारी उछाल के बावजूद भारत के कुल रिटेल क्षेत्र में इसके विशाल भौतिक वाणिज्य उद्योग के विपरीत ई कॉमर्स की हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है। यह हिस्सेदारी छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कम हो जाती है। इसका कारण है कि ई कॉमर्स वैल्यू चेन वर्तमान में काफी प्लेटफॉर्म केंद्रित है, जहाँ एक खरीदार और एक विक्रेता केवल विशिष्ट प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ही लेन देन कर सकते हैं जिन पर वे दोनों मौजूद हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक खरीदार कुछ खरीदना चाहता है, वो अपने पसंदीदा ऐप पर लॉगिन करता है, आइटम सर्च करता है और खरीदने के लिए सीमित विकल्प आता है। उसे अधिक विकल्प खोजने के लिए कई ऐप्स देखने पड़ते हैं और बहुत सारे अन्य विक्रेता खरीदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप पर उपलब्ध नहीं होते हैं, जो कीमत, क्वालिटी और डिलीवरी के संदर्भ में उसे संभावित रूप से बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके पास उन्हें खोजने का कोई तरीका नहीं होता है। दूसरी ओर एक सामान्य विक्रेता आमतौर पर अपने आप को सीमित ऐप्स पर ही लिस्ट करता है। अनुमान लगाइए कई ऐसे अन्य ऐप्स हैं जिन पर वे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनसे खरीदार उन्हीं वस्तुओं का ऑर्डर दे रहे हैं। यह विक्रेता के लिए बड़े पैमाने पर चूका हुआ अवसर है। इसके अलावा विक्रेता उन ऐप्स के नियमों और शर्तों से भी बंधा होता है जिनके माध्यम से वह बिक्री करता है, और अधिकांश विक्रेताओं के लिए अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन को स्थापित करना जटिल और महंगा है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। यह वह नेटवर्क आधारित ओपन प्रोटोकॉल है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा। यह ई कॉमर्स वैल्यू चेन की अनबंडलिंग करने वाले इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल के माध्यम से संभव होता है। यह एक ऐप का उपयोग करने वाले खरीदार को किसी अगले ऐप पर मौजूद विक्रेता के साथ आसानी से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा, जब तक कि दोनों ऐप ONDC नेटवर्क पर हैं। यह डिजिटल भुगतान करने वाले UPI के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ONDC पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ONDC को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। आइए समझते हैं कि एक सामान्य खरीदार को ONDC से कैसे फायदा पहुंचेगा। खरीदार चैट विजेट ऐप, IVR सॉल्यूशन या वेबसाइट, मूल रूप से किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन के माध्यम से नेटवर्क से जुड़कर आइटम सर्च कर सकता है। ONDC गेटवे मल्टी डोमेन रजिस्ट्री की मदद से सर्च की गई वस्तु की श्रेणी के अनुसार इस सर्च को बड़ी संख्या में विक्रेताओं को भेजता है। ये विक्रेता नेटवर्क पर किसी भी ऐप पर मौजूद हो सकते हैं। सर्च रिजल्ट खरीदार को चुनने के लिए कई विकल्प देते हैं। वह अपना पसंदीदा विकल्प चुनता है, फिर वह डिलीवरी के लिए विकल्प ढूंढता है। गेटवे खरीदार और विक्रेता की लोकेशन के साथ सभी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं को अनुरोध भेजता है जो दोनों स्थानों पर सेवा प्रदान करते हैं। सर्च रिजल्ट उसे डिलीवरी के विकल्प देते हैं। वह उन विक्रेताओं को चुन सकता है जो खुद प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हों, या वो अन्य डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं में से भी चुन सकता है। वह सबसे अच्छा विकल्प चुनता है, फिर वह चेकआउट पेज पर जाकर अपने पसंदीदा मोड से भुगतान करने से पहले सभी डिटेल्स की पुष्टि करता है। वह ट्रांजैक्शन पूरा करता है और दोनों पक्षों को पैसा मिल जाता है। ये है ना आसान। आइए एक और उदाहरण देखें, जहां एक खरीदार कई प्रोडक्ट्स और सेवाओं का ऑर्डर देना चाहता है। राज काम के लिए केरल जा रहा है और वह कुछ सूटकेस, फ्लाइट के टिकट, बुनियादी मलयालम पर एक कोर्स खरीदना चाहता है और होम स्टे भी बुक करना चाहता है। ONDC के बिना उसे कम से कम 4 अलग अलग ऐप्स की मदद से ऐसा करना होगा। ONDC के साथ वह अपनी पसंद के किसी भी ऐप पर लॉगिन कर सकता है और इन सभी को एक ही बार में बुक कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि ONDC से विक्रेता को कैसे फायदा पहुंचेगा। ONDC के साथ विक्रेताओं को संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन की कम लागत में पहुंच मिलती है। विक्रेता को नेटवर्क पर किसी भी ऐप के माध्यम से केवल एक बार पंजीकरण कराना होता है
और वह नेटवर्क से जुड़े सभी एप्लीकेशंस पर मौजूद सभी खरीदारों के लिए सुलभ हो जाता है। ONDC पर विक्रेता चुन सकते हैं कि वे किन नियमों और शर्तों पर काम करना चाहते हैं। इन सभी फायदों से विक्रेता के लिए मुनाफा बढ़ता है। आज की प्लेटफॉर्म केंद्रित दुनिया में विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म द्वारा चुने हुए अन्य विकल्पों से प्रतिस्थापित होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे खरीदारों तक अपनी पहुंच खो देते हैं। वहीं दूसरी ओर ONDC यह जोखिम समाप्त कर देता है। विक्रेता किसी और ऐप पर जा सकता है और उसके जरिए सभी खरीदार के लिए सुलभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में सभी खरीदार ऐप से खरीदारी जारी रख सकते हैं। विक्रेता नेटवर्क व्यापी रेटिंग भी बनाए रख सकता है, जिसका मतलब है कि आपकी रेटिंग तब भी बरकरार रहती है जब आप किसी भिन्न विक्रेता ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं। ONDC के साथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय से संबंधित विश्लेषण भी प्राप्त होगा, जो उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में आप अपने आप को ONDC नेटवर्क पर किसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में लिस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप नेटवर्क पर मौजूद बड़ी संख्या में अन्य एप्स के लिए तुरंत सर्चेबल हो जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान ले कि आपने एक इमेज प्रोसेसिंग आधारित कैटलॉग निर्माण टूल बनाया है और आप अपना टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ONDC पर लिस्ट करते हैं। नेटवर्क पर विक्रेता एप्स अपने विक्रेताओं के लिए कैटलॉग बनाने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। एक विक्रेता किसी प्रोडक्ट की तस्वीर क्लिक करता है और वो चीज स्वचालित रूप से कई भाषाओं में पहचान ली जाती है। वह प्रोडक्ट की कीमत डालता है और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए तुरंत कैटलॉग बनाने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराता है। एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में ये आपको विभिन्न तरीकों से तत्काल आय का अवसर प्रदान करता है। क्या ये आपके बिजनेस को कुछ ही समय में बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली तरीका नहीं है? तो आप ONDC नेटवर्क का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? एक ई कॉमर्स खिलाड़ी के रूप में आप नेटवर्क में एक या एक से अधिक भूमिकाएं अपना सकते हैं और इसकी बढ़ती पहुंच का फायदा उठा सकते हैं। आप खरीदार एप्लीकेशन के रूप में जुड़ सकते हैं और अपनी ऐप पर मौजूद खरीदारों को ONDC पर पहले से ही मौजूद विक्रेताओं से जोड़ सकते हैं। आप विक्रेता एप्लीकेशन के रूप में जुड़ सकते हैं और अपने व्यापारियों और विक्रेताओं को पहले से ही नेटवर्क पर मौजूद खरीदारों तक पहुंच दिला सकते हैं। आप एक गेटवे के रूप में भी जुड़ सकते हैं और किसी विशिष्ट डोमेन या स्थान में खरीदार ऐप से विक्रेता ऐप्स तक सर्च क्वेरी भेज सकते हैं। या आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में जुड़ सकते हैं और बड़ी संख्या में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए तुरंत पहुंच योग्य बन सकते हैं, जो आपकी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ONDC भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT की पहल है। इस नेटवर्क का प्रबंध एक गैर लाभकारी कंपनी द्वारा संभाला जा रहा है, जिसे कई विख्यात संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। इस पहल को दिग्गजों से बनी सलाहकार परिषद द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है। ONDC सचमुच में मेड इन इंडिया डिजिटल क्रांति है और इसका संचालन अनुभवी नेतृत्व दल द्वारा किया जा रहा है। ONDC के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें या ईमेल पर हमसे संपर्क करें।